नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। टोपी और मास्क लगाकर स्टेशन से महिलाओं के मंगलसूत्र करता था चोरी, आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुंबई की लोकल ट्रेन में महिलाओं के गले का चैन चुराने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। मुंबई रेलवे की वसई रोड जीआरपी पुलिस ने पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले नालासोपारा रेलवे स्टेशन से सीसीटीवी की मदद से आरोपी को धर दबोचा। वहीं आरोपी का नाम मोहम्मद अमन हुसैन 30 वर्ष है। मोहम्मद टोपी सर पर पहनकर और चेहरे पर मास्क लगाकर घूमता था और मास्क में चलती ट्रेन से यात्रियों के सोने के चैन और मंगलसूत्र खींचकर फरार हो जाता था। वहीं पुलिस के मुताबिक इस आरोपी के ऊपर वसई रोड से बोरीवली तक कुल 6 मामले दर्ज हैं। यह आरोपी इतना शातिर था कि यह पकड़े न जाने के डर से स्टेशन पर मास्क और टोपी लगाकर आता जाता था। आरोपी के पास से पुलिस को 4,16,000 रुपए के 6 सोने के चैन और मंगलसूत्र मुंबई जीआरपीएफ ने भी जब्त किया है। पेश है वसई की यह एक रिपोर्ट। वसई रोड जीआरपी रेलवे पुलिस स्टेशन में पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी रॉबरी की घटनाएं हो रही थी, जिसमें हम देख रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में मालूम पड़ा कि एक आरोपी फेस मास्क और कैप पहने हुए, हालांकि आरोपी शातिर था, जानता था कि हम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो इसलिए वो खुद को बचाकर मास्क और कैप पहन के चोरियां कर रहा था। हमें इसमें वसई रोड में 2392 रॉबरी के तहत, बोरीवली में 2392 रॉबरी के तहत और वसई रोड में 2379 चोरी की घटनाएं चेन स्नैचिंग की हो गई थी। हम पकड़ने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। सीसीटीवी खंगालने के बाद में सिर्फ फेस मास्क ये मिला, हमने उसका अभ्यास किया, ये चढ़ता कहाँ से है, उतरता कहाँ से है, तो सिटी में जाता है तो कहाँ जाता है, इसका टाइम क्या है, इसकी शारीरिक हालचाल कैसी है, तो सिटी में बहुत सारा टोटल जीआरपी और सिटी के 150 कैमरे खंगालने के बाद हमें एक जगह पे वो आरोपी मास्क हटाए हुए नजर आता है। तो हमारे डिटेक्शन ब्रांच वसई रोड पुलिस स्टेशन के इसमें बहुत अच्छा काम किया और एक बार उसका फेस मास्क हटने के बाद फिर उसको 3 दिन नालासोपारा यहाँ पे ट्रैप लगा के 3 दिन के बाद उसको पकड़ा है। ये ट्रेन जब स्लो हो जाती थी तब चेन खींच के प्लेटफॉर्म पे निकल जाना या फिर गर्दी का फायदा उठा के चेन स्नैच करना, इस टाइप का इसका मोडस ऑपरेंडी था। हालांकि आरोपी का पहले कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वसई रोड स्टेशन में इस बार डिटेक्शन ब्रांच ने जब पकड़ा है तभी इसके पास से 6 गुनाहों की कबूल इसने दी है और इसमें जो 6 जगह पे इसने चेन स्नैचिंग किया था वो 6 चेन्स गोल्ड की हमने रिकवर की है और आरोपी को अरेस्ट किया है।